देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। आम आदमी पार्टी का है, इस प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों से। नमस्कार, कोवेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ सपना बिस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनिस चौधरी हल्द्वानी आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं और संख्या आयोग के अध्यक्ष ने बताया, आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, इससे सभी लोग प्रभावित होकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली मॉडल बन गया है, वहीं उत्तराखंड भी आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं 2022 में केवल भारतीय जनता पार्टी से हमारी सीधी टक्कर होगी, क्योंकि कांग्रेस का अब कुछ भी उत्तराखंड में नहीं बचा है और आम आदमी पार्टी के आने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ बूथ पर जाकर लोगों से विचार विमर्श कर रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि जल्दी उत्तराखंड की जनता को पता चल जाएगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड का ही वादा कर रखा है और 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। ऐसी ही विशेष खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। कांग्रेस में कोई दम नहीं है, मैं कांग्रेस कहीं लड़ाई में दिखाई दे रही है। आज हमारे उत्तराखंड की जनता कांग्रेस और भाजपा से आजीज है, परेशान है और इन लोगों के कारनामों से आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अब उत्तराखंड में एक विकल्प आम आदमी पार्टी है, जो हमारे प्रदेश की जनता, उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को मन से चाह रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी की लहर है और आने वाला समय 2022 उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। जो उत्तराखंड की जनता चाहती है वो आम आदमी पार्टी यहाँ पर मॉडल दिल्ली उत्तराखंड में आने वाला है और उत्तराखंड में डेवलपमेंट के रास्ते सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी खोल। देखिए ऐसा है ना, जो हमारे जो दिल्ली का पैटर्न है, जिस तरह से हमारे दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी, आज आपको पता है वहाँ के किसी भी रक्षा वाले से, किसी भी आप चलते फिरते व्यक्ति से पूछ लीजिए कि दिल्ली के अंदर क्या क्या सुविधाएं। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है, इलाज फ्री है, 15 लाख तक का इलाज उत्तराखंड दिल्ली में फ्री है और यही पैटर्न से उत्तराखंड में आएगा। अब उसके आय के स्रोत भी हम लोग निकालेंगे, पार्टी निकालेगी, हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे जो भी हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे वो सब संभालेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड के अंदर एक बेहतरीन चहुमुखी विकास के साथ आम आदमी पार्टी सरकार चलाएगी। बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा कि उत्तराखंड में भी हम एक चेहरा घोषित करेंगे। साथ ही हमारे जो विकास की लहर दिल्ली में है, माननीय केजरीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नाम पर भी और पार्टी के नाम पर और आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा भी हम घोषित करेंगे और हमारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड से ही होगा, कोई बाहर।